किसी भी चैनल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक होता है उसके सब्सक्राइबर्स, कितने भाई लोग नए ऐड हुए हैं, कितनी यूट्यूब फैमिली बढ़ी है एक यूट्यूब चैनल की, वही सबसे टॉपेस्ट कंसर्न्स में से एक होता है। और बहुत सारी लाइव स्ट्रीम पे हम लोग देखते भी हैं कि जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं वो एक्चुअली शो करते हैं रियल टाइम में कि उनके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे वो लाइव स्ट्रीम में कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि वैसा ही एक लाइव सब काउंट कैसे आप ऐड कर सकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। और एक खास चीज़ इस वीडियो में हम लोग ये ऐड कर रहे हैं कि यूट्यूब का जो एक नया एक कस्टमाइजेशन है उसमें आप देखेंगे कि जो चैनल्स होते हैं उनमें 1000 सब्सक्राइबर पार होने के बाद आपको केज में हम लोग को शो करता है 1.5K, 2.51K या 10K या 11.6K। तो इस तरीके से ना देख के जो सही में एक्चुअल फिगर है आपके सब्सक्राइबर्स की वो शो करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ये हमारा जो एकदम लास्ट डिजिट तक एक्यूरेट लाइव सब काउंट है, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने यूट्यूब स्टूडियो में। और यूट्यूब स्टूडियो में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, मैं ओपन करता हूँ क्रोम यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे एक टैब बनाया हुआ है। आपको सभी को पता है कि कैसे हम लोग पहुँचते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ आप अगर देखें तो सेक्शंस में ऊपर देखिए, यहाँ आ रहा है डैशबोर्ड, वीडियो, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, और ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो और आपको मेरा ऊपर सब्सक्राइबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये सब्सक्राइबर्स अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो ये आपको दिखाई देंगे 2.57K या 2.58K, लाइक दैट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक टैब खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक एक्सटेंशन। सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रोम के वेब स्टोर पर। हम टाइप करते हैं क्रोम वेब स्टोर, और क्रोम वेब स्टोर पर हम लोग जाके सर्च करेंगे एक खास एक्सटेंशन जिसका नाम है सोशल ब्लेड। सोशल ब्लेड, और इस एक्सटेंशन को हम लोगों को क्रोम में इंस्टॉल करना है। तो ये रहा सोशल ब्लेड, क्लिक करते हैं इस पर और क्लिक करते हैं ऐड टू क्रोम पे, ऐड एक्सटेंशन। और ये ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे एक साइन बनाया जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है सोशल ब्लेड पे पहले से, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली नीचे क्रिएट वन फॉर फ्री पे क्लिक करके अपना जीमेल वगैरह देके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इसको। और खास ध्यान रखिएगा कि उसी जीमेल से आपको रजिस्टर करना है जिस जीमेल से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो फटाफट से आप क्रेडेंशियल्स डालते हैं, लॉग इन करते हैं और फिर दोबारा चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो पर देखते हैं चल के। तो भाई लोग हम वापस आ गए हैं यूट्यूब स्टूडियो पे, और अब आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। डैशबोर्ड के ठीक नीचे लिखा रहा है लाइव सब्सक्राइबर काउंट, क्लिक करते हैं इस पर। और क्लिक करने के बाद ये हमारा लाइव सब्सक्राइबर काउंट शो हो रहा है, और इसको हम लोगों को इस्तेमाल करना है OBS में। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है, ऊपर एक छोटा सा एक लिंक बना रहा है स्ट्रीमर मोड, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो स्क्रीन है वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लिक करते हैं इसको और ये आप देख रहे हैं कि लाइव सब काउंट शो हो रहा है। और इस विंडो को अब हम लोगों को मिनिमाइज़ नहीं करना है किसी भी हाल में, अगर मिनिमाइज़ करेंगे तो खेल ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, लोग चलते हैं OBS में अपने और वहाँ पे इस लाइव सब काउंट को ऐड करते हैं। तो भाई लोग आ गए हैं OBS की स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोगों को एक सोर्स ऐड करना है जिस भी सीन में आपको ये जो अपना सब्सक्राइबर काउंट ऐड करना है। तो हम लोग क्लिक करते हैं सोर्स पर और क्लिक करते हैं विंडो कैप्चर। क्लिक करते हैं विंडो कैप्चर पर, नाम आप जो चाहें दे दें, मैं आपको बताया ऐसे ही छोड़ देता हूँ हमेशा, ओके। और यहाँ देखिए आप, अगर अभी तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली विंडो जो है डिस्प्ले हो गई है। इन केस अगर आपके केस में विंडो डिस्प्ले नहीं होती है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी विंडो जो है उसको कैप्चर करना है। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं और क्लिक करते हैं ओके पर। बस वही बात एक ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को किसी भी हाल में जो पीछे विंडो है देखिए उसको मिनिमाइज़ नहीं करना है, पीछे विंडो मैक्सिमाइज़ है। तो अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें कुछ फिल्टर्स और इसको क्रॉप करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लिए काम का डाटा जो है वो केवल बीच की फिगर है। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर और क्लिक करते हैं फिल्टर्स पे। पहला फ़िल्टर होगा क्रॉप पैड, क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, और मैं फटाफट से जो सही वैल्यूज़ हैं, जो सूटेबल वैल्यूज़ हैं, पुट इन करता हूँ जल्दी से। तो ये सूटेबल फिगर्स हैं जो हम लोगों को दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इतना हम लोगों ने क्रॉप कर लिया, अब हम लोगों को ये जो ग्रीन कलर है इसको हटाना है। इसके लिए हम लोग अगला फ़िल्टर ऐड करेंगे यहाँ पर, क्लिक करते हैं ऐड फिल्टर्स पर और चूज़ करते हैं क्रोमा की।
क्रोमा की ऐड करते ही यहाँ पे देखेंगे अपने आप ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि ग्रीन कलर डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक कलर में जो आपका लाइव सब्सक्राइबर काउंट है। और जितने भी अब ये डाटा सारा आपका YouTube स्टूडियो से आ रहा है, तो जैसे ही एक दो सब्सक्राइबर्स जैसे ही आपकी फैमिली बढ़ती है ऐड होते हैं, सब्सक्राइबर काउंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करता चलेगा। अब एक चीज़ और, अगर आप ये चाहें कि आपको ये वाला मतलब ब्लैक जो थीम है फॉन्ट की थीम वो आपके स्ट्रीमिंग फ्रेम से मैच नहीं कर रही है, तो हम लोग इसको वाइट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक दूसरा एक फ़िल्टर ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करते हैं, इस पर चूज़ करते हैं फिल्टर्स, और यहाँ पर मैं अगला लूँगा कलर करेक्शन। कलर करेक्शन ऐड करके हम लोगों को केवल इतना करना है कि जो कॉन्ट्रास्ट है उसको ज़ीरो कर देना है, और आप ये देख रहे हैं कि अब ये वाइट कलर में एक्टिवेटेड है। तो इतना सिंपल है, टू द लास्ट डिजिट बिल्कुल एक्यूरेट फिगर दिखाना कि आपके स्टैंडिंग लाइव सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और ये काउंट जो है रियल टाइम भी है, अपने आप को अपडेट भी करता चलेगा। इस पूरे प्रोसीजर में ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि पीछे जो लाइव सब काउंट वाली विंडो है उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, तो इट विल वर्क फाइन। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे जो भी प्रॉब्लम है, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।